सर स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी कनेक्टिंग द डॉट्स, सर वो बात कहाँ तक सही है? नहीं, तुम ये मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो कि घुग्गू हलवाई ने एक बात कही थी डिसकनेक्टिंग द पॉट्स, वो बात कहाँ तक सही है? मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, हाँ लोहिया नगर में घुग्गू हलवाई की दुकान है और उसने मुझसे एक बार कहा था डिसकनेक्टिंग द पॉट्स। उसके पास पॉट्स रखे हुए हैं जिसमें वो गुलाब जामुन रख के देता है, तो उसने कहा था डिसकनेक्टिंग द पॉट्स। हम उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? व्यक्ति विशेष पर ज्यादा ध्यान दे, समझाओ पहले इनको ये बात। बताओ मुझे, छुच्छू बंसारी भी तो कुछ बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा? खुग्गू हलवाई भी कुछ बोलता है, रमदू नाई भी कुछ बोलता है। उनको तो तुम कभी कोट नहीं करते हो कि सर वो उन्होंने ये बोला तो जरा आप इस पर टिप्पणी करिए। जब तुम पहले ही तय करके आ गए हो कि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है स्टीव जॉब्स, और स्टीव जॉब्स माने क्या? सफलता का एक खास चित्र। जब तुम पहले ही ये तय करके बैठे हो तो मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? यू ऑलरेडी नो सो मच, यू ऑलरेडी नो दैट स्टीव जॉब्स इज इम्पॉर्टेंट। हाउ डू यू नो दैट स्टीव जॉब्स इज इम्पॉर्टेंट? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ ना, घुग्गू हलवाई का कहा इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, स्टीव जॉब्स का कहा इम्पोर्टेंट क्यों है? तुम्हें कैसे पता वो सफल है? क्योंकि तुमने पहले ही तय कर रखा है कि सफलता का मतलब ये है कि हर कोई मेरी चीज लेके घूमे, मेरा नाम फैले। जब तुम इतना सब तय करके बैठे हो, इतने होशियार हो तुम, इतनी तुमने अकल पहले ही लगा ली है, तो मुझसे कुछ क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें क्या जवाब दे सकता हूँ? तुमने पहले ही तय कर रखा है कि ये तो भैया बड़े लोग हैं, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, अगर ये तुम्हारी दृष्टि में बड़े लोग हैं तो फिर जाओ तुम। कबीर और जीसस और स्टीव जॉब्स एक साथ तो नहीं चल सकते। वो अगर तुम्हारे आदर्श हैं तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी की कहानी तय हो चुकी है, फिर तो पक्का हो चुका है कि तुम कहाँ को जाओगे कहाँ को नहीं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि तुम लोग इस तरह के आदर्श बना लेते हो बिना उनको जाने भी, जिनके तुम आदर्श बना रहे हो। तुमने वाकई जिस आदमी का नाम ले रहे हो उसकी जिंदगी की कहानी ध्यान से पढ़ी होती तो तुम्हें उल्टी आती। तुम्हें कभी कह नहीं पाते कि मुझे ऐसा बनना है। पर तुम पहले ही तय करके बैठे हो। क्यों तय करके बैठे हो? क्योंकि वही हो, बिखरी हुई रेत। दुनिया एप्पल एप्पल कर रही है तो तुम भी सेब खाने को आतुर हो। क्यों प्रवीण? दुनिया एप्पल में है तो तुम्हें भी, मुझे बताओ घुग्गू हलवाई को क्यों नहीं कोट किया? मैंने घुग्गू हलवाई ने कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात नहीं बोली थी बेटा। घुग्गू हलवाई ने 50 और बातें बोली हैं, तुम्हें वो क्यों नहीं पता है? और दुनिया में हजार और लोग हैं जो पता नहीं कितनी कितनी विजडम की बातें बोल रहे हैं। तुम्हें चरण दास का नाम पता है, तुम्हें दरिया दास का नाम पता है, और उन्होंने बहुत विजडम की बातें बोली हैं, तुम्हें वो क्यों नहीं पता है? तुम स्टीव जॉब के पास ही क्यों जा रहे हो? क्योंकि दुनिया जा रही है। यूट्यूब चल के आया था तुम्हारे पास, या तुमने यूट्यूब पे देखा उसको? तुम गए थे ना, तुमने वहां पे दरिया दास टाइप किया था तो क्या था? तुमने क्या टाइप किया? तुमने स्टीव जॉब्स टाइप किया तो स्टीव जॉब्स आया। तुम खोजने गए थे। जब तुमने तय ही कर रखा है कि दुनिया में यही तुम्हारे आदर्श होंगे तो अब क्या हो सकता है? और तुमने नहीं तय किया, काश कि तुमने तय किया होता। तुमने नहीं तय किया, तुम कठपुतली हो जिसके दिमाग में इंजेक्शन डाल दिया गया है। क्या तुमने तय किया? आज स्टीव जॉब्स का एप्पल है, कल को उससे ज्यादा सफल किसी का हो जाए माइंड पॉप्स का पाइन एप्पल, तो तुम पाइन एप्पल के पीछे भाग रहे होगे? भाग रहे हो नहीं भाग रहे होगे बता दो। दुनिया तुम्हारे दिमाग में पाइन एप्पल घुसेड़ दो तुम उसके पीछे भाग लोगे। तुम्हारे पास अपनी कोई क्षमता है जानने समझने की? तुम्हारे पास अपना कोई सिस्टम है जिसके आधार पर तुम्हें डिसाइड कर सको कि कौन है जो प्रशंसनीय है और पूजनीय है? बताओ मुझे,
तुम्हारे पास अपना कोई बेंचमार्क है? अभी तो तुम्हारी हालत यह है कि तुम्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि स्टीव जॉब्स और घुग्गू हलवाई की तुलना कैसे हो सकती है। तो सुनो फिर, तुम रैदास मोची थे, जूते सिलते थे, कबीर जुलाहे थे, चादर बुनते थे, जीसस बेघर थे, इधर उधर फिरते थे, बेटा जा करके ठीक से पढ़ लो। तुम्हें फिर वही बात है ना, स्टीव जॉब्स का पता है, बाकियों का पता है? अभी भी तुम कोट किसको कर रहे हो? कनेक्टिंग द डॉट्स जो बात है उससे प्रभावित हो। अरे बेटा, तुम्हें जब पता ही इतना है तो तुम उसमें के अंदर ही से तो प्रभावित होगे ना, जो तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। तुम प्रभावित और किस चीज से हो सकते हो? जिसका तुमने कभी पता ही नहीं किया उसे प्रभावित हो सकते हो? तुम जिससे कभी मिले ही नहीं उससे कैसे प्रभावित होगे? और मिल तुम सकते नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है उससे बाहर तुम आना नहीं चाहते। जिनसे तुम मिले ही नहीं उनको समझ पाने का कोई मौका है तुम्हारे पास? और तुम उनसे कैसे मिलोगे जब तुम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि तुम्हारे दिमाग की पूरी कंडीशनिंग कर दी गई है स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, पूरी कंडीशनिंग कर दी गई है। तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही है? हाँ, स्टीव जॉब्स ने कहा है कनेक्टिंग द डॉट्स, और ये जो बात कही है बहुत साधारण सी बात है, इसमें कुछ नहीं रखा है, बल्कि ये वही बात कह सकता है जो इंसान अपने अतीत पे बहुत विचार करता हो, जो पास्ट से मुक्त ही ना हो पा रहा हो। कनेक्टिंग द डॉट्स का अर्थ ये होता है कि तुम्हारी जो जीवन यात्रा है उसमें तमाम बिंदु होते हैं और तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ क्या आकार ले रही है, लेकिन जब तुम आगे पहुँच जाते हो 10 साल बाद और पीछे मुड़ के देखते हो, तब तुम्हें उसमें से एक आकृति, एक पैटर्न उभरता हुआ दिखाई देता है। कोई ये करे क्यों? और अगली बात, जो तुम 10 साल बाद हो वो आज तुम थे नहीं, आज तुम हो प्रवीण 1, 10 साल बाद तुम कौन हो? प्रवीण 2, बल्कि P10 हो तुम 10 साल बाद के। बीच के डॉट्स हैं P2, P3, P4, P5, ठीक है। स्टीव जॉब्स ने ये बुद्धि दी है तुम्हें कि P10 पे पहुंच के तुम पीछे देखो तो कनेक्ट होते हैं, पर ये तो जो पीछे वाले हैं ये वो है ही नहीं जो कनेक्ट कर रहा है। दोनों बातें समझना, क्या P10 P3 है? क्या P10 P3 है? लेकिन जिस आदमी की आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होती ना, वो अगर कोई साधारण सी बात भी बोल दे तो तुमको ऐसी लगती है कि वाह वाह क्या बोल दिया। तुम उसकी बात के कायल नहीं हो, तुम उसकी प्रतिष्ठा, उसकी सफलता और उसके पैसे के कायल हो। जो ये सफल और प्रतिष्ठित लोग हैं ना, ये कोई साधारण सी बात भी बोल देते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वाह महाराज ने क्या प्रसाद दे दिया। जिन्होंने जिंदगी में जरा भी विजडम जानी है वो थोड़ी कनेक्टिंग द डॉट्स की बात करेंगे। अब मैं तुमको दे रहा हूँ कि जीसस को पढ़ो और उपनिषद को पढ़ो। जो उपनिषद का एक श्लोक भी समझ जाएगा वो कनेक्टिंग द डॉट्स की बात ही नहीं उठाएगा कभी। उसको बात ही बचकानी और बच्चों वाली लगेगी कि ये क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। अज्ञान की एक बड़ी समस्या ये है कि वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है और बहुत चालाक समझता है। वो सोचता है उसे सब पता है और सोचता है वो जानता है। I can know, I can decide, I can do this, I can do that। Do not forget a very basic piece of fact. This that you call as industrial capitalism,
दिस दैट यू कॉल एज द एडवेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर हैज ब्रॉट द अर्थ टू अ पॉइंट वेयर इन योर लाइफ टाइम यू माइट सी द डिसअपियरेंस ऑफ द ह्यूमन रेस एंड द फोररनर्स ऑफ दैट आर दीज सो कॉल्ड रोल मॉडल्स. ये जो है ना, जो कहते हैं बिगर फास्टर बेटर, इन्होंने ये स्थिति कर दी है कि 1.5 डिग्री मीन टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक है. और 1.5 डिग्री बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी अगर हम तैयार होते कि अब 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देंगे. जानते हो टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? ये बढ़ता है कंजम्पशन से. द मोर यू कंज्यूम द मोर द ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस. द मोर इज द अर्ज ऑफ मैन टू कंज्यूम द मोर ग्लोबल वार्मिंग विल बी देयर. लेकिन अगर तुम्हारा रोल मॉडल कोई ऐसा बंदा है जो लगातार कंजम्पशन का ही सामान बनाता हो और पुश करता हो और बेचता हो, तो तुम्हारा मन कैसा रहेगा? और कंज्यूम करो ना. ये जो पूरी ग्लोबल वार्मिंग है जिसके कारण शायद तुम्हारे ही बुढ़ापे तक तुम देखोगे कि सब साफ हो गया, कुछ नहीं बचा. यू माइट एज वेल बी द लास्ट जनरेशन ऑफ मैन ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू पीपल लाइक दीज जिनकी तुम पूजा कर रहे हो बिना ये जाने कि इन्होंने ही तबाह कर दिया तुम्हें अपनी ग्रीड के लिए. ये तो राजा बन गए और इनका बैंक बैलेंस भी भर गया, तुम तबाह हो गए. इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है कि जो तुम्हें तबाह कर रहे हैं तुम उन्हीं की पूजा कर रहे हो. थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज आर ऑलरेडी गॉन. अभी हालत ये है कि सर्वर्स आर्कटिक पे और एंटार्कटिक पे रखे जा रहे हैं. सर्वर फार्म्स होते हैं, जानते ही होंगे. वो इतनी हीट पैदा कर रहे हैं कि दैट दे आर फास्ट टर्निंग इनटू द मेजर सोर्स ऑफ मोर वार्मिंग. तो इन्होंने अकल क्या लगाई है कि ये सर्वर्स आर्कटिक और एंटार्कटिक पे रख रहे हैं. अब ये बताओ वहाँ से जो हीट पैदा होगी वो क्या करेगी? आइस मेल्ट होगी तो तुरंत क्या होगा? एंड यू विल बी जस्ट सिंगिंग भजन ऑफ स्टीव जॉब्स विदाउट रियलाइजिंग दैट ही इज द वन हु इज किलिंग यू. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. मेरा बैचमेट है. बैचमेट क्या है, दोस्त भी है और मेरे ही हॉस्टल का, मेरी विंग सामने बंदा. उसकी कंपनी में अभी 4 दिन पहले रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है. कारदेखो.com उसी की है और उसकी बड़ी प्रोमिनेंट फोटो, रतन टाटा के साथ रतन टाटा उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना. और रतन टाटा ने इससे पहले किन कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है? कोई रियल एस्टेट की कंपनी है, कोई ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी है. क्या तुम देख पा रहे हो कि ये सारे आइटम्स कौन से हैं जिनको रतन टाटा प्रमोट कर रहा है? वो भी अपने बुढ़ापे में. नाउ दैट ही इज 80 ईयर्स ओल्ड ही इज प्रमोटिंग ऑल दीज थिंग्स. कार देखो क्या बेचती है? कार. कि तुम्हें कार खरीदनी है ना, आओ आओ हम बताएंगे बेस्ट तुम्हारे लिए डील क्या है. कोई ज्वेलरी की वो है जहाँ पे ज्वेलरी प्रमोट की जा रही है, ग्रीड आर्टिफिशियलनेस. कोई रियल एस्टेट जहाँ तुम्हारे भीतर ये भावना प्रमोट की जा रही है कि घर बनाओ घर घर घर. रतन टाटा इवन इन हिज ओल्ड एज इज ओनली प्रमोटिंग कंजम्पशन. और बहुत प्रोमिनेंटली न्यूज आइटम आ रहा है, चिक्की बंदा था उसको, वो अपना खड़ा हुआ और रतन टाटा के साथ, और रतन टाटा ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है. और मेरे ही बैच के लोग हैं जिनकी कारदेखो.com से 1000 गुनी ज्यादा बेहतर वेबसाइट्स हैं. रतन टाटा जाएगा उन्हें प्रमोट करने? रतन टाटा लगाएगा उनमें पैसा? क्योंकि रतन टाटा खुद ग्रीडी है, वो पैसा वहीं लगाएगा जहां उसको जबरदस्त मुनाफा होता हो. हाँ, आप कारदेखो.com पे जाइए, आपके घर में 2 गाड़ियां हैं, आप 4 गाड़ियां खरीदिए और आप अच्छे से जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल खत्म. पर कोई जवाब नहीं मांगने जाएगा रतन टाटा से कि तुम्हारी 80 साल की उम्र हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम आज भी फॉसिल फ्यूल जलाने वाले कामों को प्रमोट कर रहे हो?
कोई नहीं जवाब मांग रहा ना। ये जो इतना चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है ना बेटा, हम सब जो है हम एक खास इकोसिस्टम की पैदाइश होते हैं, हम इसी मिट्टी से निकले हैं। ये मिट्टी बदल जाए तो हम बदल जाएंगे, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, जब मौसम वो नहीं रहता जो मौसम को होना चाहिए, तो तुम्हारा दिमाग बदल जाता है, तुम चिड़चिड़े रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, मौसम का चक्र बदल जाता है पूरा, ऋतुओं का आना जाना बदल रहा है। तुम तो फिर भी थोड़े बहुत बचे रहते हो अपने कमरों के भीतर, ये बेचारी चिड़िया हैं, ये सब हैं, इनको तो कुछ भी नहीं इनका बच रहा, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कब विलुप्त हुए जा रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा, तुम स्टीव जॉब्स ही करते रह जाओगे। और ये भूला मत करो कि एक आदमी की जो पर्सनल फॉर्च्यून है वो बनती है तुम्हारे ही जैसे लोगों के खून पसीने से। वो उसने क्या खुद मेहनत कर करके कमाई होती है? वो जो लाख लोग उनकी कंपनियों में लगे होते हैं ना, वो खट रहे होते हैं। तुम्हें शौक हो खटने का, उनकी गुलामी करने का, तो करो। लेकिन ये समझ पाना कि ये सब बहुत गहरी गुलामी है और मुझे इसमें नहीं फंसना, ये सुप्रीम इंटेलिजेंस की बात होती है। आई वॉज वेरी लकी दैट डिस्पाइट बींग टेम्प्टेड बाय द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दैट दिस अर्थ कैन ऑफर, कहीं से ये अकल आ गई कि ये फंस रहा है मामला। और अकल ऐसे नहीं आ गई थी बैठे बैठे, फैक्ट्स के करीब गया था, हिम्मत करके उनको जांचा था कि मामला क्या है। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे हवाई ख्याल ले लिए थे, इंटरनेट था अगर तो मैंने पूरी रिसर्च करी, एक एक चीज़ देखी, लोगों से मिला, समझा। सिर्फ ऐसा भी नहीं कि विजडम लिटरेचर पढ़ के ही काम चला लिया। बट यू नीड टू हैव दैट एनर्जी टू एग्जर्ट योर सेल्फ टू नो द ट्रुथ, एंड यू नीड टू हैव द डेडिकेशन कि जो सच होगा वही, उसी की तरफ जाऊँगा, नहीं तो नहीं बढ़ूँगा आगे। अदरवाइज प्रवीण, कॉरपोरेट वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्लेव्स, एंड यू नो वॉट डज दैट कॉर्पोरेट वर्ल्ड नीड? इट नीड्स यंग पीपल, इट नीड्स यंग पीपल। वाई डज इट नीड यंग पीपल? क्योंकि उनके पास खून होता है चूसने, चूसा जा सकता है उनको अच्छे तरीके से। हमारे साथ एक तुम्हारे सर हैं जो यहाँ आते हैं, उनका छोटा भाई है, वो एक रिटेल शोरूम में काम करता है, है छोटा पर उसकी सैलरी तुम्हारे सर से ज़्यादा हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उसकी सुबह 8 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक की होती है शिफ्ट, जिसमें वो लगातार खड़ा रहता है। रिटेल में बैठा है, मैनेजर लेवल पर भी बैठने के लिए चेयर नहीं देते हैं, आप खड़े रहो। बहुत प्रॉमिसिंग बंदा था, आज उसके पास हालत ये है कि उसके पास अपने लिए 1 मिनट का समय नहीं है। और वो हर हफ्ते ये मन बनाता है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, इसमें मेरा इंटरनल डिटीरियोरेशन हो रहा है। लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकता, नौकरी छोड़ने के जैसे टाइम आता है उसकी 2-4 हज़ार तनख्वाह बढ़ा देते हैं। पूरा उसका खून चूस रखा है। किसी को गुलाम बनाने का बहुत अच्छा तरीका है ना ये, उसके भीतर ये स्थापित कर दो कि गुलामी ही आदर्श है, कि गुलामी बहुत बढ़िया बात है। बेस्ट एग्जांपल है दुनिया में आदमियों ने औरतों को कैसे शोषित किया है, और औरत के बच्ची के, छोटी लड़की के मन में बचपन से ही बात ये बैठा दो कि तुम्हारा तो काम ही है एक्सप्लॉइट होना, और तुम जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगी तुम उतनी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो। कि औरत कहते हो ना कि औरत तो या तो माँ होती है या पत्नी होती है, और ये बात औरतें भी कितने फक्र के साथ कहती हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आता कि आदमियों की साजिश है उनको बेवकूफ़ बनाने की, ताकि वो नौकरानी की तरह घर का सारा काम करें
और फिर रात में सेक्स करें और फिर बच्चे भी पैदा करें। और फिर ये भी बोलें कि पतिदेव तो देवता है, परमेश्वर है। तो किसी को ज़बरदस्ती गुलाम बनाना मुश्किल होता है, उससे अच्छा ये है कि उसके मन में ही बात बैठा दो कि गुलामी रोल मॉडल है, कि पतिदेव परमेश्वर है। वैसे स्टीव जॉब्स परमेश्वर है। अब पतिदेव तुम्हारा कितना भी एक्सप्लॉइटेशन करें, तुम चू नहीं कर सकते ना, अब तुम चू नहीं कर सकते। दिस इज एग्जैक्टली द एज व्हेन यू बिकम केपेबल एज एडल्ट्स ऑफ वर्किंग। अभी तुम बिल्कुल तैयार हुए हो नए नए, अब तुम काम करने की मशीन हो, तुम तैयार कुछ कर सकते हो। हेंस दिस इज एग्जैक्टली द एज व्हेन दोज हु वांट यू टू वर्क फॉर देम दे विल गिव यू रोल मॉडल्स। ये नई फसल तैयार हो रही है ना, अभी तुम नई फसल हो, उनको चाहिए तुम्हारे ऐसे ताज़ा हाथ जो 12-12, 14-14 घंटे काम कर सकें एम्बिशन के नाम पर। आओ आओ हम तुमको एक करियर देंगे, आओ आओ हम तुमको रिस्पेक्टेबिलिटी देंगे। तुम ताज़े लोग हो, तुम्हारे पास खून है, तुम अभी चलोगे, अभी तुम्हें इतनी जल्दी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और जिस दिन तुम चुक जाओगे, जिस दिन तुम जाके बोलोगे कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सब हो गया, हार्ट डिजीज़ सब हो गया है, उस दिन तुमको ऐसे दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। कुछ पैसे दे के ऑब्वियसली ले जाया, कुछ पैसे ले ले, लाख दो लाख ले जा ऐश कर। और तुम यहाँ छाती में अपने रोल मॉडल की फोटो लगाए घूमते रहना। मास हिस्टीरिया होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स अपनी मर्जी से, जर्मनी की जो पूरी पॉपुलेशन थी, अपनी मर्जी से यहाँ गुदवा के घूमती थी, हेल हिटलर। मास हिस्टीरिया, हिटलर रोल मॉडल था पूरी जर्मनी का। वहाँ तो डिजास्टर हो गई तो अब तुम्हें समझ में आता है कि अरे ये देखो यहाँ की जो डिजास्टर है वो छुपी हुई है, वो दिखती नहीं है, तो तुम कभी कह भी नहीं पाते कि अरे इन्होंने ही तो ख़राब कर दिया, इन्होंने ही तो बर्बाद कर दिया। इट्स अ कंप्लीट सी व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैपेंस इज दोज हु हैव द मैक्सिमम ग्रीड अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। जिनके पास जितनी ज़्यादा ग्रीड होती है ना, जो जितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन एक साथ चलते हैं, जितनी ग्रीड होगी तुम्हें उतनी फ्रस्ट्रेशन भी होगा, और जो ज़िंदगी से बिल्कुल चिढ़े हुए लोग होते हैं उनको उतनी कलप उठती है पैसा कमाने की, उनको कितना भी कमा लें कम पड़ता है। तो वो एक देश से फिर दूसरे देश जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज खड़ी करते हैं कि अमेरिका बस का खून चूसने से काम नहीं चल रहा है, मुझे पूरी दुनिया का खून चूसना है, समझ रहे हो। फिर उनको अब ताज़ी फसल भी चाहिए जो उनके यहाँ पे एम्प्लॉय बन के आ सके, तो वही लोग हैं जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेट कर देते हैं कि इनको वही सब कुछ पढ़ाओ जो मेरे काम आएगा, ताकि ये निकले यहाँ से और मैं इनको एब्जॉर्ब कर लूँ। तुम स्टीव जॉब्स को जाके बताओ कि मैं HIDP पढ़ता हूँ, वो HIDP बंद करवा देगा तुरंत, क्योंकि अगर HIDP तुम्हें समझ में आ गया तो तुम स्टीव जॉब्स के लिए यूजलेस हो जाओगे। उनकी पूरी कोशिश यही है कि तुम्हें सच्चाई का भी पता ना लगे। समझ रहे हो, एक एक इंस्टीट्यूशन पर उनका कब्जा है, सब कुछ उनके मुताबिक चलता है। तुम्हारा जो पूरा मन है वो मीडिया की खुराक से बनता है, उन्होंने मीडिया पे कब्जा कर रखा है, फैक्ट्स तुमको पता नहीं होते हैं। तुम टीवी पे कोई भी प्रोग्राम देख रहे हो, इस वक्त दुनिया में सिर्फ 4 मीडिया कंपनी हैं जो दुनिया की पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं।
और मीडिया कंपनी का मतलब समझ लो उस कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर, कोई चेयरमैन। तो चार लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी चैनल पर क्या देख रहा होगा, या किसी भी अखबार में क्या पढ़ रहा होगा, या किसी भी रेडियो चैनल पर क्या सुन रहा होगा। चार लोग मिलके ये डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग की पूरी कंडीशनिंग कैसी हो रही है, सिर्फ चार लोग। तुम वही वही देख रहे हो, वही वही सुन रहे हो जो कोई चाहता है कि तुम देखो और सुनो। इनफैक्ट अभी भी तुम मुझे जो सुन रहे हो उसकी प्रोसेसिंग जानते हो तुम किस कैसे कर रहे हो? अभी तुम मुझे सुन रहे हो तो एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके मैं जो कह रहा हूँ उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो। वो तुम्हें सॉफ्टवेयर भी जानते हो किसने दे रखा है? उन्हीं चार लोगों ने। ये कितनी खतरनाक बात है समझ रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन ही नहीं पा रहे होगे, शायद तुम्हें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो प्री प्रोग्राम्ड है मेरे जैसी बातों को ब्लॉक कर देने के लिए, या कि मेरे जैसी बातों को जानबूझ के मिस इंटरप्रेट करने के लिए, या उन पर डाउट करने के लिए। तुम प्रोग्राम्ड हो मेरी बात पर डाउट करने के लिए। और तुम प्रोग्राम्ड हो उनके जैसी बात को तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए। अभी तुमने एक सवाल पूछा, अगर मैं इसमें गुणगान शुरू कर देता तुम्हारे रोल मॉडल्स के, तुम उसे डबल ओपननेस के साथ एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी बैठा है। समझ रहे हो बेटा? समझ लो कि तुम्हारे घर पे एक ऐसा दरवाज़ा लगा दिया गया है जो प्रोग्राम्ड है, जो खुलता ही सिर्फ कुछ खास तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए दरवाज़ा बंद है। या तो बंद है या उस इन्फॉर्मेशन को वो तोड़ मरोड़ देगा, या हो सकता है कि ये भी कर दे कि उस दरवाजे में से दो बंदूकें निकलें और दूसरे तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाले को उड़ाई दें। ये हालत है। Tell me, is there any reason why anybody suffers except mental disturbance? Disturbance ही है ना जो तुम्हें सबको सताता है, परेशान रहते हो। तुमने कभी ये सोचा कि ये सारी परेशानी शुरू कहाँ से होती है? कभी भी ये सोचा? तुमने कभी सोचा तुम्हें greedy कौन बना रहा है? कौन तुम्हारे भीतर ये भावना डालता है? Oh my God! iPhone 5 is dated. Why not take the latest one? iPhone 6. बताओ मुझे, तुमने कभी ये सोचा क्या? कौन तुम्हारे भीतर ग्रीड पैदा कर रहा है? तुमने कभी ये सोचा कि इतना जो करप्शन है, तुम हाय हाय करते हो बहुत करप्शन है। कोई भी बच्चा करप्ट पैदा तो नहीं होता ना। उसके भीतर ये भावना कौन डालता है कि तुझे और पैसा चाहिए? वो उस पैसे क्या करेगा, खाएगा? अगर तुम्हें और पैसा चाहिए तो तुम उस पैसे का क्या करते हो? सोचो तो, क्या करते हो? उससे कुछ खरीदते हो। जब खरीदते हो तो वो पैसा किसकी जेब में जाता है? तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें ग्रीडी कौन बना रहा है? नहीं समझ में आ रहा। तुम कमाओगे तभी तो तुम खरीदोगे, और जैसे ही तुम खरीदते हो तुम्हारा पैसा कहाँ चला जाता है? जिसकी जेब में जाना है ना, ये उसके स्वार्थ में है कि तुम ग्रीडी रहो, तो वो तुम्हें ग्रीडी बना रहे हैं, वो जिम्मेदार है तुम्हारी सारी सफरिंग के। तुम टीवी खोलते हो, टीवी खोलते ही क्या तुम्हें ग्रीडी नहीं बनाया जा रहा? तुम्हारे दिमाग में रविश नहीं भरी जा रही? कहीं ना कहीं से तो इसके दिमाग में ये बात भरी गई होगी ना कि बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं से तुम्हारे दिमाग में भी और 10 चीज़ें भरी गई हैं। ये भी तो देख लो कि किसकी जेब भर रही है ये सब होने से। सर तो ये क्यों कर रहे हो? मतलब कॉल
करने जा रहे हैं यहाँ पे 24/7, तो हम यही कर रहे हैं, यही सब सीख रहे हैं। बेटा तुम नहीं कर रहे ना, तुम अभी नहीं, प्रवीण यू डोंट एग्जिस्ट, ये तो सॉफ्टवेयर कर रहा है। छोड़ दें क्या सब कुछ? तुम छोड़ सकते हो क्या? फिर वही बात करी तुमने, सॉफ्टवेयर तुम्हें अलाउ करेगा छोड़ना? उस सॉफ्टवेयर में कहीं भी ये ऑप्शन है छोड़ दो, क्विट, उस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन ही नहीं है, तुम छोड़ ही नहीं सकते। मैं अभी यहाँ से उठ के चला जाऊँ, तुम जा करके ना यही जो अंदर फिजूल की हरकतें हो रही ना, इन्हीं में से एक हो जाओगे। YBH में से 30 को मैं निकाल चुका हूँ और 10 अपने आप भाग गए हैं। तुम्हें क्या लग रहा है वो बहुत बदल गए? कुछ नहीं, तुम्हारे सॉफ्टवेयर में बदलने का ऑप्शन नहीं है। जब तक वो सॉफ्टवेयर रहेगा तब तक तो तुम वही सब कुछ करोगे जो वो तुमसे करवा रहा है। और ये एरोगेंस अपने भीतर ज़रा भी मत रखो कि तुम कुछ कर रहे हो। सॉरी, तुम जो सोच रहे हो तुम नहीं सोच रहे हो, तुमसे सोचवाया जा रहा है। जब तक वो सॉफ्टवेयर फंक्शनल है, ये बिल्कुल मत सोचना तुम्हारी कोई फ्री विल है। ये सब करके खुशी मिल रही है तो वो सॉफ्टवेयर डिसाइड कर रहा है कि तुम्हारी खुशी की डेफिनेशन क्या है। जैसे अगर रात को हम कभी भी सो रहे हैं, तो हम अगर कुछ भी बैठ रहे हैं तो चेहरे पे एक स्माइल के साथ सो रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम, मतलब इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, काम है, लेकिन एक मन में सेटिस्फेक्शन तो है। बेटा सेटिस्फेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ होती है, तुम किसी को मारना चाहते हो मार के तुम्हें मिल जाएगा सेटिस्फेक्शन? खुशी भी बहुत ओछी चीज़ होती है। आज जिन्होंने बंक करा उन्हें मिल गई खुशी बंक करके। जो ये बात कर रहा है ना, उसी का पता चलता है कि सॉफ्टवेयर ने उसको कितना अपाहिज बना दिया है कि वो जो पूरे यूनिवर्स में ड्यूअलिटी का बेसिक लॉ है उसको समझ में नहीं आ रहा। ये बैठा है ना हैप्पीनेस, ये समझाएगा कि खुशी तुम्हें मिल ही नहीं सकती जब तक तुम पूरे दिन दुखी ना रहे हो। तुमने ये क्यों बोला कि रात में खुशी मिल रही है, ये क्यों नहीं बोला कि अभी मिल रही है? टाइम होता है ना जब अपने आप को अपने से थोड़ा सा एग्जैक्टली, और उस टाइम के अलावा फिर कैसी हालत है तुम्हारी? उस टाइम के अलावा फिर कैसी हालत है? किस लिए कर रहे हैं इतनी सारी मेहनत? तुम नहीं कर रहे, तुम कहाँ कर रहे हो? तुम्हें ये भ्रम है ही क्योंकि तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे बच्चे। तुम जो भी है तुमसे, तुम्हारे तुमसे जो भी हो रहा है वो तुमसे करवाया जा रहा है। खुशी की भी तुम्हारी डेफिनेशन तुम्हारे में डाली गई है। तुम्हें कैसे पता कि स्माइलिंग का मतलब खुशी होता है? और तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जो जैसा कंडीशन होता है उसे उसी में खुशी मिल जाती है? 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान मैच है, तुम्हें किस में खुशी मिलेगी? अब बॉर्डर पार लोगों को किस में खुशी मिलेगी? मैं समझ में नहीं आता कि खुशी क्या चीज़ है। तुम्हारा प्रोग्राम है खुशी, तुम्हारा सॉफ्टवेयर है खुशी,